मेरा नाम डॉक्टर आनंद सक्सेना है। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी साकेत सिटी हॉस्पिटल में हूं। मैं आज एपिलेप्सी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। एपिलेप्सी एक डिजीज है ब्रेन की, जिसमें पेशेंट्स को दौरे पड़ते हैं जो कई किस्म के हो सकते हैं। इसमें कई बार बड़े दौरे पड़ते हैं जिसमें कि पेशेंट बेहोश हो जाता है, उसकी आंखें ऊपर की तरफ घूम जाती हैं, उसके जबड़े तन जाते हैं, उसके मुंह से झाग आने लगते हैं, कभी उसको जीभ कट जाती है, उसके हाथ पैर अकड़ जाते हैं और हाथों में शेकिंग होती है, हाथ पैरों में शेकिंग होती है और कई बार यूरिन निकल जाता है इन एपिसोड्स के अंदर। और इस एपिसोड के होने के बाद पेशेंट कंफ्यूज रहता है कुछ टाइम के लिए। इनको हम कहते हैं जनरलाइज्ड टोनिक-टॉनिक सीजर्स। इसके अलावा कई और भी किस्म के दौरे होते हैं जो कि एपिलेप्सी के अंदर होते हैं, जैसे कि कुछ देर के लिए सिर्फ गुम हो जाना, जिसमें पेशेंट को कुछ नहीं पता होता आसपास क्या हो रहा है, उनको हम एब्सेंस सीजर्स कहते हैं या कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स को कई बार सिर्फ फोकल सीजर्स होते हैं, जिसमें सिर्फ एक साइड का हाथ या पैर अकड़ता है और शेकिंग होता है और उसमें पेशेंट बेहोश नहीं होता है, इनको हम फोकल मोटर सीजर्स कहते हैं। और कभी कभी सिर्फ नमनेस, हाथों के अंदर नमनेस, हाथ या पैर के अंदर नमनेस होती है, उसको भी उनको हम फोकल सेंसरी सीजर्स कहते हैं। ये बहुत जरूरी है। जैसे पुराने जमाने में लोगों को इस किस्म की धारणा थी कि एपिलेप्सी जो होती है एक किस्म की ऊपरी बीमारी है या ऊपरी हवा की वजह से ये होती है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। एपिलेप्सी बेसिकली एक डिजीज है जो ब्रेन के अंदर जो नाड़ियां हैं, जो नसें हैं, उसके अंदर जो करंट होता है उसमें जब कभी कभी एक्सेसिव डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मिर्गी के दौरे पड़ने की बहुत सारी वजह होती है। जो मेन मोटी मोटी वजह है उसमें एक होती है सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी, जिसके अंदर पेशेंट को ब्रेन के अंदर कुछ लीजन्स होते हैं, जैसे कि पेशेंट को टीबी की गांठें हो सकती हैं या पेशेंट को न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, जो टेप फॉर्म सिस्ट होती है, उसके कीड़े जो है अंडे जो है ब्रेन में चले जाएं, उसकी वजह से पेशेंट को दौरे पड़ सकते हैं, या कुछ कॉन्जेनेटल मैलफॉर्मेशंस जो है, जो कि बाई बर्थ होते हैं, जिनको हम गायरल मैलफॉर्मेशंस कहते हैं, उसके अंदर ऐसा हो सकता है। और कई और भी बहुत किस्म की जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि बाई बर्थ होते हैं, उनके अंदर पेशेंट को दौरे पड़ सकते हैं। ट्रॉमा, हेड ट्रॉमा की वजह से पेशेंट को दौरे पड़ सकते हैं। किसी को इन्फेक्शन हो जाए, मेनिंजाइटिस या इंसेफ्लाइटिस हो जाए, उसके अंदर पेशेंट को दौरे पड़ सकते हैं। तो बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से दौरे पड़ सकते हैं कुछ। लेकिन जो एक और बहुत प्रमुख जो कारण है, जिसको हम इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहते हैं, जिसमें कि एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि क्यों पेशेंट को दौरे पड़ रहे हैं, हम उनके अंदर जितने भी टेस्ट कराते हैं, जैसे MRI कराते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल आता है, लेकिन पेशेंट को दौरे पड़ रहे होते हैं, उसको हम इडियोपैथिक एपिलेप्सीज कहते हैं। और कई आजकल ये पाया गया है, जैसे जैसे इसकी एपिलेप्सी की जो साइंस है जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिलती जा रही है, तो बहुत सारे एपिलेप्सी जो है वो सिंड्रोमिक एपिलेप्सीज हैं, जो कि जेनेटिक होती है, जो कि फैमिली में रन करते हैं, जिनके बारे में हमें नॉलेज होती जा रही है, जिसके अंदर की पेशेंट को किसी भी किस्म का MRI वगैरह करने पे कोई भी हमें एबनॉर्मलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन पेशेंट को दौरे पड़ते हैं। जैसे कि एक बहुत कॉमन एपिलेप्सी होती है जिसको जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी कहते हैं, जो एडोलेसेंट एज में आती है, जो कि 8 साल से करीब 28 साल की उम्र तक कभी भी आ सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली जो है वो 16-17-18 साल की उम्र में आता है, जिसके अंदर पेशेंट को बड़े वाले दौरे, जिनको हम जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स कहते हैं, उसके अलावा पेशेंट को एब्सेंस सीजर, जिसमें पेशेंट थोड़ी देर के लिए लॉस्ट हो जाते हैं, उसके अलावा पेशेंट को मायोक्लोनिक जर्क्स, झटके लगते हैं, ज्यादातर दौरे अर्ली मॉर्निंग में लगते हैं, पेशेंट के हाथ में ग्लास होता है, एकदम से सडनली छूट जाता है, या कोई पीछे से आवाज लगाता है तो पेशेंट एकदम से चौंक जाता है, इसको हम जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी कहते हैं। और इस किस्म की एपिलेप्सी को डायग्नोस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये मिस डायग्नोसिस होता है और अगर हम कभी अगर गलत दवाइयां देते हैं इसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस होती हैं, तो इसमें बजाय दौरे ठीक होने के बिगड़ जाते हैं, तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और अब जो है एपिलेप्सी के अंदर बहुत ही एडवांसेस आते जा रहे हैं। अब आजकल ट्रीटमेंट के अंदर दवाइयों के अलावा, जो मेडिसिन जो हम देते हैं उसके अलावा, और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि आ गए हैं, जिनका यूज किया जाता है एपिलेप्सी कंट्रोल में, जैसे कि एपिलेप्सी सर्जरी, जो कि काफी एडवांस होती जा रही है,
कई ब्रेन के अंदर ऐसे लीजन्स होते हैं जिनकी वजह से दौरे पड़ते हैं, जिनको हम एमआरआई पे आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, और उस पर्टिकुलर लीजन को अगर हम हटाते हैं तो उससे पेशेंट को कोई मेजर डिसेबिलिटी नहीं होती है, जैसे कि किसी को कोई मेमोरी प्रॉब्लम, उस जगह को हटाने से कोई मेजर डिसेबिलिटी नहीं होती, कोई पैरालिसिस नहीं होता या कोई मेमोरी डिफिकल्टीज नहीं आती है। इस टाइप की जो एपिलेप्सिस है वो काफी रिफ्रैक्टरी होती है, बहुत मुश्किल होती है दवाइयों से कंट्रोल कर पाना, और उसके अंदर हमें जो है एपिलेप्सी सर्जरी की हेल्प लेनी पड़ती है, और बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी होती है ये, और इसके अंदर कई बार हम दवाइयों को पूरी तरीके से ओमिट कर पाते हैं जस्ट बाय डूइंग सर्जरी। तो ये जो है इनको हम कहते हैं मीडियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस, बेसिकली जो हमारे ब्रेन का जो टेम्पोरल लोब है उसके अंदर डैमेज होता है, जिसकी वजह से ये सीजर्स होते हैं जो कि बहुत मुश्किल होते हैं कंट्रोल करना मेडिसिन से। तो यहां पे एपिलेप्सी सर्जरी का काफी बेनिफिट होता है। उसके अलावा एपिलेप्सी जो है पूरी राइट फ्रॉम बर्थ, चाइल्डहुड से लेकर के और एल्डरलीज तक सब में देखी जाती है एपिलेप्सी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोगों को गलत मान्यता है कि ये कोई भूत प्रेत है या कोई ऊपरी हवा होती है, ये नहीं है, ये एक डिजीज है जिसको समझना बहुत जरूरी है। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब पेशेंट को सीजर पड़ता है, एपिलेप्सी का जो फिट पड़ता है, तो उस वक्त करना क्या चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कि बहुत सारे लोगों को ये मान्यता है कि ये धारणा है कि जब पेशेंट को सीजर पड़ रहा है तो उसको जूता सुंघा दो, मोजे सुंघा दो या इस टाइप की कुछ चीजें कर दो, जो बिल्कुल ही गलत है। पेशेंट को जब भी दौरा पड़ रहा होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट को एक साइड पे टर्न कर दिया जाए, उसके मुंह में कई बार लोग पानी डालने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब आप पेशेंट बेहोशी की हालत में किसी पेशेंट के मुंह में आप पानी डालेंगे तो लंग्स में जा सकता है, जिससे पेशेंट को बहुत ही सीवियर निमोनिया हो सकता है, उसकी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए, पेशेंट को एक साइड पे टर्न कर देना चाहिए बस, और कुछ नहीं करना है। पेशेंट के मुंह को खोलने की जरूरत नहीं, उसके जबड़े को खोलने की जरूरत नहीं, उसमें कोई पानी डालने की जरूरत नहीं, चम्मच डाल के मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उससे आपको इंजरी हो सकती है और पेशेंट को भी इंजरी हो सकती है। और अगर दौरा बहुत ही प्रोलॉन्ग होता है, जनरली सीजर जो होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, 2 से 5 मिनट के बीच में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर फिर दौरा बहुत ही कंटिन्यूसली बार 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 आ रहा है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी, इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक जानकारी सब लोगों को मिलनी चाहिए ताकि एपिलेप्सी का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। थैंक यू।